हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विपिन, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आ रही हैं। 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। जो 50-50 की बात कही जा रही थी, 60-40 का रेशियो था, वो कहीं ना कहीं तब्दील होता नजर आ रहा है। विपिन, देखिए क्योंकि शुरुआती रुझान है और ऐसे में क्योंकि अभी ईवीएम्स खुली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स की गिनती जो है वो अभी तक हुई है। पोस्टल बैलेट्स अमूमन जो है वो कर्मचारियों के रहते हैं, जो कर्मचारी जो है बाहरी राज्यों में नौकरी करते हैं या ड्यूटीज देते हैं उनकी ओर से पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से, इलेक्शन ड्यूटी करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से जो है पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से जो है अपना वोट कास्ट किया जाता है। और ये आपने इतिहास में भी सोनल देखा होगा कि जब जब पोस्टल बैलेट खुले हैं वो मौजूदा सरकार के ज्यादातर खिलाफ रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में शुरुआती रुझान है उनको देख सकते हैं आप। अगर देश की बात करें तो देश में एनडीए गठबंधन जो है वो जो आंकड़ा है, जो सरकार का बनाने का आंकड़ा है, उसको पार कर चुका है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, अर्ली ट्रेंड्स को कन्वर्जन में टाइम लगता है, यानी कि पिक्चर जो है वो 11:30 बजे के करीब जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब ऐसे में अगर बात करें करनाल की, करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उन्हें मैदान में उतारा था। आज जो शुरुआत रुझान है उनके पक्ष में आए हैं, अभी वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ पंचकुला से बंतो कटारिया आगे चल रही हैं, वहीं रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के, एक बड़ा कॉन्टेस्ट जो है कांग्रेस के लिए रोहतक में रहा, पूरी की पूरी कांग्रेस ने जान जो है वो रोहतक में जो है झोंकने का काम किया गया था। अब ऐसे में गठबंधन को लेकर जिस तरह से आपने जो अपडेट दिया दर्शकों को, इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को, कि सुशील गुप्ता जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी के ट्रेंड्स हैं, ये बहुत पहले के रुझान हैं। जैसे जैसे ईवीएम्स के अनलॉक होती जाएंगी वैसे वैसे पिक्चर जो है वो क्लियर होती जाएगी। अब ऐसे में तमाम चीजें हैं, क्योंकि अब ना तो एग्जिट पोल का दिन है, ना तो किसी तरह के कोई रुझान जो है आप उस तरह के तरीके के जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आज जो है वो एक्चुअल पिक्चर, यानी कि जनता ने जिसका समर्थन किया, जनता ने जिसके नाम पे वोट किया, वो जो पिक्चर है वो जो है वो तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आएगी। जी ठीक है विपिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं। सीमा लगातार बड़ी खबर दे रही है हमें। सीमा, बीच देखिए रुझानों को लेकर के बड़ी अपडेट अब सामने आ चुकी है, जहां एक एक करके यहां अमित शाह 80,000 वोट से आगे हैं। तो अहम जानकारी, अमित शाह 80,000 वोट से आगे नजर आ रहे हैं। तो जहां एक एक करके देखिए रुझान जो हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं, जहां बीजेपी काफी ज्यादा इस वक्त, देखा जाए एनडीए को लेकर के बात कर ली जाए तो एनडीए 315 पर इस वक्त है, इंडिया गठबंधन 176 पर, और अदर्स के खाते में इस वक्त 19 सीटें नजर आ रही है। तो यहां रुझान जिस प्रकार के सामने आते नजर आ रहे हैं, हालांकि अमित शाह 80,000 वोट से आगे। और विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, पूरे देश पर भी नजर डालें तो देखिए 400 पार की जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, या इंडिया गठबंधन की जिस परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, उसमें भी एक बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये बहुत जल्दी होगा एक प्रेडिक्शन करना, धीरे धीरे पिक्चर जो है अभी बाकी है। देखिए बिल्कुल, और जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी अगर बात करें शुरुआती एक घंटा जो रहता है, अमूमन जो है जिस तरीके की तकनीक इलेक्शन कमीशन की ओर से इस्तेमाल की जाती है पोस्टल बैलेट्स की, अगर बात करें एक लंबा प्रोसेस होता है, उनको गिनना पड़ता है, उनके जो पुराने तरीके से वोटिंग होती थी उसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स में वोटिंग होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए तकरीबन आप 40-45 मिनट या मैक्स 1 घंटा मानकर चलिए। तो ये जो ट्रेंड्स आए भी हैं वो ट्रेंड्स जो है वो पोस्टल वैलेट्स के हैं। इसके बाद ईवीएम्स की जब लॉक्स खुलेंगे और ईवीएम्स की कैलकुलेशंस जब होंगी तब एक्चुअल पिक्चर जो है, क्योंकि वो थोड़ी जो पिक्चर है वो उस अगले आधे घंटे में जो है वो साफ होती नजर आएगी। जिस तरह से आपने देश की बात करी, दो बीजेपी जो है वो दावा 400 पार का कर रही थी, लेकिन अभी अर्ली ट्रेंड्स है, अर्ली ट्रेंड्स में जिस तरीके का एनडीए का प्रदर्शन रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, पार्टी उससे भी खुश होगी। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस या इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके का गेन किया है उससे इंडिया गठबंधन की जो अलायंसेज है या फिर प्रमुख विपक्षी दल की बात करें कांग्रेस की, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सही दिखाई दे रही होगी। और आज का दिन जो है, क्योंकि कल की रात बड़ी एंग्शियस रात जो है वो नेताओं के लिए रही है,
खासतौर पर हरियाणा की अगर बात करें सोनल, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अर्ली ट्रेंड्स हैं या फिर शुरुआती रुझान है, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि लगातार चाहे वो एग्जिट पोल्स हों, चाहे वो आप भी ग्राउंड पर थे, आपने भी लगातार जो है वो लोगों से बात करी है, रिपोर्टर्स से बात करी है स्टूडियो के माध्यम से, उसमें भी लगातार रिपोर्टर्स हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार एक बात कह रहे थे कि बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट है। 10 की 10 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो कुछ सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर बड़ा क्लोज एक मार्जिन या क्लोज फाइट जो है वो देखी जा सकती थी। तो ऐसे में अमूमन सी बात है कि तमाम नेता जो चुनावी मैदान में थे उनको नींद तो नहीं आई। ठीक है, विपिन, मैं लौटूंगी आपके पास।